यहाँ से काशीद बीच एक्चुअली थोड़ा वॉकेबल है, थोड़ा सा लंबा है अगर आप आलसी हो तो। आलसी तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सो मैं अंदर रेडी हो रही है और हम लोग अभी आज का प्लान कुछ ऐसा है कि शायद से हो सकता है हम लोग मुरुड़ जा सकते हैं, जो कि अराउंड 17 किलोमीटर के आसपास है डिस्टेंस। देखने के लिए फोर्ट है वहाँ पे, बट फोर्ट में हम लोग बेसिकली जाएंगे नहीं, बिकॉज फोर्ट जैसा आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा कुरई फोर्ट का, सेम वैसे ही हालत है उस फोर्ट का भी, तो इतना भी वर्थ नहीं लगता जाने के लिए। मुरुड़ जंजीरा करके फोर्ट है, तो अभी हम लोग पहले तो जाएंगे काशीद बीच, वहाँ पे थोड़ा नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके हम लोग यहाँ पे एक्चुअली है ना, व्यू काफ़ी अच्छा है अगर ऐसा देखने गया तो। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पहाड़ है यहाँ पे, और जो हमारा बैक साइड का व्यू है वहाँ पे भी पहाड़ है, और आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये सब है ना बंद करके रखा हुआ है, बारिश के वजह से बंद किया था। अभी हाल ही में जब ये सब था, लॉन्ग वीकेंड था, तभी बारिश अच्छा खासा हुआ था बोलता है। तो ये देखो, ये व्यू देखो, तो यहाँ पे बैक साइड का व्यू है पूरा। एक्चुअली यहाँ से भी देख सकते हैं अपन, अगर मैं आपको, कपड़ा सुखाया हमने, सुखाया मतलब थोड़ा ये होने दिया है, तो यहाँ पे पूरा व्यू है। ये तो अभी झाड़ ज़्यादा हो गया है, पूरा ग्रीनरी है एक्चुअली ऐसा देखने गया तो, काफ़ी अमेजिंग सा है। तो फटाफट हेलमेट पहनते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू मोटो व्लॉगिंग मोड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काशीद बीच, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो फुल सेट हो चुके हैं, ग्लव्स एक्चुअली पहना नहीं है मैंने, गर्मी बहुत है घर के, ग्लव। तो आज है फ्राइडे बेसिकली, तो आज से थोड़ा थोड़ा गर्दी आना स्टार्ट होगा इस साइड में। यहाँ पे इतना आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा, बट अपना जो अलीबाग है, अलीबाग के यहाँ पे भयानक वाला गर्दी स्टार्ट होता है आने का। उधर तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, वीकडे वीकेंड ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक आती है बिकॉज काफ़ी नज़दीक है करके। अभी जाने के बाद समझेगा स्टेटस क्या है करके। यहाँ का रोड काफ़ी अमेजिंग है, मतलब ख़राब तो है ही, आप जैसा कि आपको मैंने बताया कल भी, ख़राब तो है ही रोड, बट कुछ कुछ पैच पे ना चलाने को बहुत मज़ा आता है। मतलब आजू बाजू में ग्रीनरी बहुत ही मज़ा आता है मतलब चलाने के लिए। और यहाँ पे कैसे है, अभी डिमांड इतना हो रहा है ना, तो सब लोग अपना अपना है ना प्लॉट में घर बांधना चालू कर दिए है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था यार। हम लोग तो लिटरली मेरे ख्याल से कॉलेज के टाइम से आ रहे, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अभी देखो यार, सब लोग अपना अपना भाई बांधने के लिए फुल सेट है, धंधा करने के लिए। मतलब रेस्पॉन्स ही इतना अच्छा दिख रहा है तो पब्लिक आती है। गाड़ी है अच्छा खासा वैसे तो, आज आज वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे बेसिकली अभी कैसा हो गया, वीकेंड कंसीडर किया जाता है। है कल के हिसाब से थोड़ा है पब्लिक, तो गाइस अभी हम लोग बीच के यहाँ पे है। नाश्ते के लिए बोल दिया है, यूजुअली कल का जो नाश्ता था वही है अपना, चाय पोहा मैगी एंड ऑल। ओके, तो इस पे लेंस पे देखते हैं। तो एक्चुअली मैंने ग्लेयर्स व्हील्स कुछ नहीं पहना है, ये देखो अभी हेलमेट जस्ट निकाला, इसके लिए बाल का पूरा बजा हुआ है, वैसे भी बाल है नहीं अपने को। तो बीच देखो यार, मतलब अर्ली मॉर्निंग को बीच देखना मतलब ज़बरदस्त लगता है, एक नंबर लगता है, मतलब एकदम सुकून पीसफुल रहता है बीच। और पानी काफ़ी अंदर जा चुका है, कल अगर आपने देखा होगा वो लोग जो चल रहे हैं ना वहाँ तक था पानी, अभी बहुत ही अंदर गया है पानी, मस्त है। बीच पे आने का मुझे यही पसंद है, एकदम पीसफुल लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे झूल रही है हमेशा की तरह, अभी बीच में बोल रही थी कि इसको बैठने के लिए, मतलब बैठ के गिरना नहीं है उसमें, अभी वापस उस पे ही जाके बैठ गई है। तो गाइस हमारा नाश्ता आ चुका है, और सौम्य ने अभी एक मॉनिटर देखा, एक्चुअली वो कुछ टाइप का एक लिजर्ड था, तो ये बोल रही थी वो मॉनिटर लिजर्ड है। मैं बोला ज़्यादा बात मत करने तो बोर्ड पे नाम लिख देगा वो तेरा।
बकवास जोक ना तू ही कर सकता है। वो देखो उधर है, उधर हाँ वो देखो जा रहा हूँ। अरे यार इसमें तो मॉनिटर बहुत छोटा दिखेगा, उधर की तरफ पे जा रहा है। मैं जान दे उसको उसके जगह पे, अपन का एको डिस्टर्ब करने का जान दे। तो नाश्ता करते फिर देखते हैं क्या है करके। यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो निकलेंगे हम लोग मुरबाड़ के लिए। मुरबाड़ नहीं, मुरुड़ के लिए। सो गाइस अभी हम लोग काशिद से निकल चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मुरबाड़ के साइड, मुरुड़ के साइड, नॉट मुरबाड़। बार बार अरे कन्फ्यूजन हो रहा है यार, मुरुड़ मुरबाड़। तो ऐसे जा रहे हैं और डैडी एक्चुअली क्या बोला था कि सूखा मच्छी मिला तो लाने के लिए। तो अभी कैसा है, धूप गिर गया है ना, तो धूप की वजह से है ना शायद ऐसा हो सकता है कि नया मतलब लॉट रहता है ना सूखा मच्छी का लॉट, वो आया रह सकता है। देखते हैं अभी जाके, ऑलमोस्ट 16-17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेट्स सी कितना टाइम में पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ तो मैप में मुझे दिखा रहा था कुछ अराउंड आधा घंटे का रास्ता है, बट कैसे है मार्केट लगता है ना, मार्केट के वजह से गर्दी रह सकता है। सो लेट्स सी क्या है करके सिनारियो। ये देखो ये ऐसा बस का है ना, यहाँ पे ज़रा है ना ज़रा संभाल के टर्निंग व्हीलिंग पे, बिकॉज कैसे है लाल डब्बा जो है वो अपने उसूल के हिसाब से चलते एकदम सुसाट निकलते, बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पूरा ऐसा बीच है, हाँ अलग अलग नाम का रहता है। ये एक्चुअली व्यू है ना काफ़ी अमेजिंग आता था यहाँ पे, बट कैसा हो गया अभी ये सब ऐसा बारिश के वजह से झाड़ वेड़ उग गया है ना, तो इसके वजह से पूरा व्यू है ना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, नहीं तो एक नंबर व्यू दिखता है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग लगता है। यार पहले तो कुछ भी नहीं था मालूम है, हम लोग लिटरली इतना दूर ऐसा आते थे कुछ सामान वीमान लेने का रहेगा तो, बट अभी तो भाई सब नज़दीक ही हो गया है, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस में। नीचे आओ दुकान है आपको, सब कुछ मिल जाता है। पहले तो यार इतना इतना दूर आते थे हम लोग, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर आगे आते थे। मतलब सोचो डिमांड क्या बढ़ रहा है, पब्लिक आ रही है तो यार डिमांड तो बढ़ने ही वाला है। भाई साहब इतने टाइम से अभी गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, पूरा रोड है ना ऐसे ही है, पूरा रोड बनाते क्यों नहीं है वही नहीं समझ में आता है। मतलब लिटरली ये मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ मुरुड़ साइड, अपना मुरबाड़ साइड ऐसा, हाँ वही मुरुड़ साइड सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब गया था तभी वो मुरुड़ जंजीरा फोर्ट के यहाँ पे गया था, मैं और बंटी गया था, उसके बाद अभी जा रहा हूँ मैं। रोड का कंडीशन है ना बॉस वैसे का वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब वैसे ही है रोड कंडीशन। मतलब जितना पैच ख़राब था वो वैसे ही ख़राब ही है यार, क्या है पता नहीं चलता है भाई। ये थोड़ा टाइम के लिए ऐसा अच्छा रोड निकलेगा, फिर वापस से ख़राब रास्ता ही मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि मतलब लंबा है मुरुड़ जाना, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट ख़राब रास्ते के वजह से ना बहुत दूर लगता है। अभी हम लोग आ चुके हैं मुरुड़ के यहाँ पर, ये मुरुड़ है बेसिकली। तो यहाँ से सीधा जाओगे अराउंड 6 किलोमीटर का रास्ता है अगर आपको मुरुड़ जंजीर फोर्ट जाना होगा तो, और मुरुड़ का जो बीच है वो यहाँ पे ही कहीं तो है 500 मीटर के डिस्टेंस पे। ये मैप में देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगाया हुआ था तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बट रास्ते भाई साहब रास्ते तो ऐसे ही है, पूरा वाट लगी हुई है रास्तों के। तो गाइस यहाँ पर है मुरुड़ बीच, अभी हम लोग एक्चुअली मार्केट देख रहे हैं, मार्केट कहाँ पर है करके। मार्केट शायद से आगे रहना चाहिए, हम लोग यहाँ पे पहले आए थे बट अभी मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद से यही रास्ते में आगे मार्केट रहेगा, देखते। ये देखो यहाँ पे मार्केट है, आ गए मार्केट मच्छी के। पर ये गिल्ला मच्छी का है सौम्या, हाँ ये सब गिल्ला मच्छी का है, इसमें किधर देखेगी। हाँ गीला मच्छी का है,
वो थोड़ा बहुत वैसा मतलब नहीं है लेके, वो तो ऐसे साइड इसके लिए बेचने के लिए रखा है उन लोगों ने। गिल्ला मच्छी लेके मतलब नहीं है ना, आपने को सूखा मच्छी चाहिए ना। ये पूरा मतलब मच्छी का ही है, यहाँ पे सुखाने का भी काम होता है। और यहाँ से गया तो मुरुड़ का, ये मुरुड़ के ले जाता है, मुरुड़ जंजीरा फोर्ट। यहाँ से ऊपर से जाएगी ना, इधर से ऐसा ऊपर होके उस साइड मुरुड़ जंजीर है, ये मुरुड़ है फोर्ट के लिए यहाँ से जाने का। हाँ तो अभी सीजन नहीं है तो शायद नहीं रखा रहेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को तो, कि लास्ट टाइम मैं और बंटी भी आया था ना तो यहाँ पे मच्छी थे, मतलब सूखा मच्छी। ये तो पूरा गीला मच्छी है, ये क्या करेगा वो अभी। अब अगर हफ्ते भर रुकने का रहेगा ना तो यहाँ से मच्छी लेके जा सकते हैं भाई, बना के दो करके, है कि नहीं दोस्तों। मच्छी बना के लेना है आपको, आप हफ्ते भर रुक रहे हो या फिर दो तीन दिन, बहुत लोग हैं आप लोग तो यहाँ पे आ जाओ, मुरुड़ आ जाओ और मच्छी ले लेना यहाँ पे आके। ये क्या बेच रहा है, तोला करके, अच्छा बटाटा है, वही सोचो मंदिर के बाजू में बटाटा ही भेजेगा, मच्छी तो नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली गिल्ला मच्छी का ही पूरा मार्केट है। पूरा गिल्ला मच्छी का है, सिर्फ एक हाथ दो लोगों ने सूखा मच्छी रखा है, बट वैसा लेके मतलब नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। ये देखो इन लोगों ने थोड़ा बहुत रखा है सूखा मच्छी, ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर मार्केट रहेगा ना सूखा मच्छी का तो मतलब बनता है लेने का। तो कैसे आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। वी आर फाइनली हियर एट मुरुड बीच, मुरुड ना तो कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली, मुरुड़ बोलने का कि मुरबड़ बोलने का। एक्चुअली मुरबड़ देखो मेरे वजह से आदत लगा सुबह से मैं मुरबड़। हाँ मेरे को ऐसा ध्यान में नहीं था, मुरबड़ मुरबड़ करके बोल रही थी बार बार, इसके लिए वो थोड़ा ये हो गया। गाड़ी अपन ने यहाँ पे लगा दी है, केकड़ा इधर ऊपर नहीं रहता। ओके तो ये बेसिकली शायद से है ना पूरा क्या बोलते हैं इसको, रीडेवलपमेंट, पूरा प्रॉपर क्लीनिंग करने का काम चल रहा है शायद से। इसके लिए प्रॉपर देखो एकदम क्लीन बीच है मोस्ट ऑफ, ये देखो सोना है यहाँ पे, ये एक्चुअली ये वेव ऊपर नहीं आना चाहिए करके, उसको ये करने के लिए यहाँ पे पूरा पत्थर डाला हुआ है। अभी ज़्यादा करके बीच के साइड में ना ऐसे ही होता है, मतलब कि आपको सेफ्टी के हिसाब से। अभी यहाँ पे तो ये वाला पत्थर डाला है, यूजुअली कैसा मरीन ड्राइव में अगर आपने देखा रहेगा एकदम स्टार टाइप वाला पत्थर रहता है वो डाला जाता है, और हमारे यहाँ पे मरवंटी बीच के यहाँ पे भी सेम वही सीन हुआ है। यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा तो लग रहा है बट खाली खाली है, ये शायद से वीकडे करके इसके लिए हो सकता है, कल परसों के बाद तो वैसे भी भर जाएगा पूरा। हाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे इधर है ना, इधर एकदम छोटा सा अगर आपको दिखता रहेगा, यहाँ पे फोर्ट है और मुरुड़ जंजीर है ना उस साइड में, तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे भी जा सकते हैं बोट में, बट मेरे को नहीं मालूम भाई वो एकदम बीच में है किधर, तो और समंदर तो और भी अंदर चला गया उससे भी अंदर है। रुको आपको अगर हुआ तो मैं दिखाता हूँ। अभी ये 4K 24 FPS पे शूट हो रहा है, तो इसमें कैसा थोड़ा ये कर सकते हैं, दिख रहा है आपको एकदम छोटा सा वहाँ पे, वो एक्चुअली एक फोर्ट है। और हम लोग जब भी मुरुड़ जंजीर गए थे ना तो वहाँ पे ऐसा बोला गया था कि वो यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना मुरुड़ जंजीर के बरोबर सामने है ना एक ऐसे ही फोर्ट बांधा था नज़र रखने के लिए मुरुड़ जंजीर पे, तो ऐसा कुछ था वहाँ पे, गाइड ने ऐसा बताया था। मोस्टली तो ये वाला फोर्ट नहीं, ये दूसरा फोर्ट है शायद से, वहाँ पे सेम वैसे ही है जो कि वो मुरुड़ जंजीर से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे तो मुरुड़ जंजीर फोर्ट भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो बहुत दूर की बात है, कोई दूसरा फोर्ट है शायद से। यहाँ पे जा सकते हैं पर मैंने ऐसा पढ़ा था ये फोर्ट पे जा सकते हैं, बोट से जाना पड़ता है, बट बोट यहाँ तक तो मतलब काफ़ी अंदर है ना, बहुत ही अंदर है, ऐसा भी नहीं कि एकदम थोड़ा बाहर ऐसा एक्सेसिबल रहेगा करके, बट बहुत ही अंदर है वो फोर्ट। यहाँ पे कैसे फोटोस अगर आपको निकालना रहेगा तो आप फोटोस आराम से निकाल सकते हो, लाइफ गार्ड का वहाँ पे ये है। बाकी यार कुछ नहीं, जस्ट सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए मुरुड़ जंजीर। वैसे तो मच्छी लेने का जो प्लान था वो पूरा फ्लॉप हो गया एक्चुअली,
सोम्य आई थी मच्छी लेने के हिसाब से, मतलब सूखा मच्छी लेने के हिसाब से, डैडी बोला था करके। मैंने सोचा सूखा मच्छी मिले या ना मिले, बिकॉज कल एक अंकल ने हम लोग को बोला, जो एक होटल के अंकल थे, उन्होंने बोला कि सीज़न नहीं है, बिकॉज अभी अभी जस्ट धूप आया है, तो मच्छी सुखाने का मतलब ऑलमोस्ट आपको दिवाली के बाद ही मिलेगा करके। तो मैंने वो सोच के रखा था, इसके लिए मैं मुरुड़ जन मतलब अपना मुरुड़ बीच पे जस्ट आके चेकआउट करने का मतलब मेरा तो ऐसा प्लान था। हम लोग मच्छी मार्केट के यहाँ पे गए, आपने भी देखा मच्छी, मतलब सब नॉर्मल मच्छी था, आप वो ले सकते हो, शायद से रीजनेबल रेट में मिलेगा, हम लोग ने कभी लिया नहीं है। बट बहुत सारे टूरिस्ट लोग जो 3-4 दिन के लिए आते हैं, ग्रुप में आते हैं ना, बड़ा ग्रुप में, वो लोग वहाँ पे जाके मच्छी लेते हैं, बिकॉज मुरुड़ जो है काफ़ी नज़दीक है अगर आप काशीद में रहते हो तो। अगर आप अलीबाग में रहते हो तो अलीबाग साइड में जो रहेगा वो मच्छी मार्केट। तो हम लोग मुरुड़ बीच से एक्चुअली निकल चुके हैं, आपने देखा होगा रास्ते से हम लोग आए मस्त पे की। और ये सौम्या का मतलब सौम्या ने आइडेंटिफाई किया था आने के टाइम, मतलब जाने के टाइम पे, कि ये यहाँ पर आके जाते हैं करके। तो आप देख लो कैसा है करके ये बीच। ये है कौन सा बट क्या नाम है ना काजे इधर, ये भी गोवा जैसा ही है, एक जगह से दूसरा जगह जाओ दूसरा बीच और दूसरा नाम। वहाँ से ऐसा ना उधर तक जा सकते हो आप, वो पॉइंट तक कोई सोचा नहीं, छोड़ता रहेगा रे, रिस्की है। नहीं नहीं जा सकते, जाने वाले जाते, बाकी एक ही है कि भर्ती के टाइम पे सब जाने का नहीं, नहीं तो भाई वॉश आउट हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे सीधा। और यहाँ पे बोट मच्छी पकड़ने के लिए बोट वाले भी है, एक हाथ दो दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, बाकी तो यहाँ पे देखो बोट ऐसा पार्क करके रखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली कैसा है, कोई कोई जो स्पॉट है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं है, अभी जैसा यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है मच्छी पकड़ने के लिए पब्लिक जाती है। तो अभी कुछ नहीं, जस्ट ऐसे सोचे आते देखते, अभी जाएंगे वापस काशीद, यहाँ का नारियल पानी एक नंबर है, एकदम मस्त मीठा है। का कैसा ब्रेकफास्ट लेट हुआ है ना, तो भूख भी नहीं लग रहा उतना, मतलब ऐसा टिपिकल खाना के लिए भूख नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था नहीं, बट लोकेशन अच्छा है, करने आ सकते या शाम के टाइम पे सनसेट व्यू देखने आ सकते। और ऐसा कैसा है, अभी एक ऐसा एकदम शांत वाला जगह है ना, तो यहाँ पे लोग दारू पीने के लिए बैठते हैं, अभी वहाँ पे बैठे ग्रुप पूरा दारू पीने के लिए। एकदम रिफ्रेशिंग है, मीठा भी है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, घर जाके फ्रेश होएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे दूसरे जगह पे अगर हुआ तो खाना खाने के लिए। बस यहाँ पे कैसा है, वो जहाँ पर हम लोग खाते थे ना अंकल के यहाँ पे, वो अंकल अभी कहीं तो बाहर गए, तो इसके वजह से अभी खाना वहाँ पे नहीं है, खाना यहाँ पर है। बट कैसे हम लोग फ्रेश व्रेश हो के रेडी हो के आते आते, मतलब बंटन के आते आते, मतलब मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, बिकॉज ऑर्डर के हिसाब से बना हुआ है। तो अभी हम लोग जाते हैं घर, घर पे चेंज करके, सोम्या बोल रही है वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं खाना खाने के लिए, यहाँ देखो यहाँ पे भी एक मियाँ हुआ है, ये हाथ में नहीं आती है, मतलब पकड़ने देती है बट उठाने नहीं देती। ये देखो इतना बड़ा बिल्ली देखा है कभी? तो अभी हम लोग खाना खाने के जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो सोम्या एक्चुअली यहाँ पे है बोलता है, कासर क्या कुछ नाम है, इन लोग बहुत पहले आए थे, बोलते हैं खाना काफ़ी अच्छा है उधर का, तो वहाँ पे ही जा रहे हैं, बाई वॉक जा सकते हैं, पूरा शांत है यहाँ पे। कल वाटर मस्त काला चला, कोसर भी कल ही था उनके पास। सो गाइस चेंज इन प्लान, हम लोग वापस से जा रहे हैं काशीद बीच, बट अभी चल के जा रहे हैं, क्योंकि सोम्या का प्रो लेवल में नेक्स्ट लेवल में पोपट हो चुका है फिर से। उनका खाने का टेस्ट अच्छा है, नखरे मेरे, वो भाजी नहीं खाती। हाँ तो तेरे नखरे इसके लिए तेरे पोपट हुए ना? नहीं हाँ।
आयशा ने कि वहाँ पे खाना ही नहीं, खाना था वहाँ पे हाँ, बट ये खाती नहीं है। और आयशा भी नहीं कि मतलब जहर दे रहा है वो लोग, मतलब इसके चोचले और कुछ नहीं है। वांगा बोला कि कांदा बोला? वांगा, कांदा का भाजी मैं खाती हूँ। ओके, तो ऐसा था वेज में ये खा नहीं रही थी। हाय व्हाट्स अप ब्रो, इधर सब एकदम फ्रेंडली डॉग्स है। अरे अभी बांधा है इतना बड़ा, पहले इतना बड़ा था नहीं है ये जो है ना, ये पहले नहीं था इतना बड़ा। सीधा ऐसा कोई भी गिर सकता है यहाँ पे ना। ये वो गटर है, नदी है, पता नहीं जो भी है। तो बेसिकली यहाँ से ऐसा गिरने का ज़्यादा रिस्क रहता था, इसके लिए उन लोग ने ये बांधा है। तो एक्चुअली हम लोग जाने मतलब आ रहे थे ना, तभी आंटी और अंकल जा रहे थे, हम लोग पहुँचने से पहले उन लोग आ भी गए। ठीक है, ये वाला वेज, ये नॉन वेज सुरमई थाली है। खाने के टाइम पे भाई अपने को सोचता नहीं है निकालने का करके वीडियो, भूख लगा रहेगा तो खास करके। फटाफट खाने का उसके बाद रिकॉर्ड करने का, ऐसा फंड है। उसके बाद बड़े बेच के सो जाएंगे। खाना सब हो चुका है, अभी घर जाके थोड़ा आराम करेंगे, फिर डायरेक्ट शाम को आएंगे। और आप बताओ आज वाला जो व्लॉग है आपको कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया रहेगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है। नए हो सब्सक्राइब करो। एंड एज ऑलवेज गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, बाय।